काला। और रही बात दोस्तों कानून की बात, तो कानून किसी के बाप की जागीर नहीं। कमेंट आ रहा कि भैया गोरखपुरिया भौजी कितना पैसा दिए, इतना पैसा दिए गोरखपुरिया भौजी, देखिए अभी नई गाड़ी ली है। चमचा का नाम लेते हैं ना, वही चमचा मुँह डाल के मुँह फाड़ देंगे। यूट्यूब छोड़ करके जाके कोर्स कर लो, अगर पढ़े लिखो LLB करके वकील बन जाओ। हम तो छोटे हैं जनाब, बड़े अदब से सर झुका लेते हैं। जो बड़े लोग हैं पहले वो अपना बड़प्पन तो दिखाएं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, हम लोगों की गलती होगी तो हम लोगों को माफ़ी मांगने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर गलती नहीं होगी किसी को कुछ कहने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अगर हम लोग किसी को कुछ कहेंगे तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। ना तो कुछ पाने की तमन्ना है, ना तो कुछ खोने का डर है। पाने की तमन्ना उन्हें होती है जो बहुत मतलब जिनके अंदर होता है कि अरे आज हम ये कर लें, आज गाड़ी खरीदने, कल बंगला बनवा लें। दोस्तों आप लोगों के नसीब से सब कुछ है। अभी देखिए एक बाइक, देखिए अभी ये है एक बाइक, देखिए ये है बाइक नहीं है, बुलेट है, बुलेट बाइक ही है। देखिए अभी नया ही है। धक धक। अब ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे दोस्तों, और पुराने ब्लॉग में जाकर के आप हम लोगों का घर भी देख सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मुद्दे की, कि जिन लोगों के पास जो है, जो लोग गोरखपुरिया भौजी के पीछे पड़ के चोंचो पोंपो कर रहे हैं, अपना लोला बजा रहे हैं, जैसे खिसियाल बिलार खंभा नोचिल, वही हाल उन लोगों का हो गया है। अब तो वो शहर में खुलेआम घूम रही हैं, जहाँ मर्जी तहाँ आ रही, जो मर्जी वो कर रही हैं। आप लोग खाली एक कमरे में बैठ के बस तू तू मैं कच कच पच पच सिक्का भर के मुस्लिम मार, बस यही सब कर रहे हो। अब कहते हैं जो जितना जले उसको उतना ही जलाओ। अब वो जितने हंस रही उतने ही सब लोग जल रहे हैं, सच्चे तो तुम्हारे जलने से, तुम्हारे बोलने से, झूठे का मुंह काला। और रही बात दोस्तों कानून की बात, तो कानून किसी के बाप की जागीर नहीं है। ना तो कोई इसको खरीद के रखा है, ना हम, ना आप, ना गोरखपुरिया भौजी, ना तो उनके विरोधी। अगर वो गलत होंगी, हम पकड़ के जलो जंगलों में रख ले है, उनके जेल कर रे। अगर वो तो पकड़ी ना पे, वो जेल में का होती, जंगल में का रखबो। अगर हाँ? अगर वो गलत होंगी तो कानून उनको किसी कीमत में नहीं बख्शेगा, चाहे वो कितना भी पैसा फेंक ले, कुछ भी कर ले, कितना भी सोर्स कुछ भी सोर्स लगा ले। अगर गलत है तो उनको सजा मिलनी है तो मिलनी है, आज नहीं दो चार महीने बाद मिलेगी, लेकिन सजा मिलेगी उन जो भी उन्होंने गलत किया होगा। लेकिन अगर वो गलत नहीं है तो कुत्तों के भौंकने से हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इतना आप लोग सोच के समझ लेना। ऐसी हाथी कि जिसके आगे तुम लोगों की कोई औकात नहीं, अगर एक बार घूम भी जाए ना तो भागने से रास्ता नहीं मिलेगा, तुम लोग किधर भाग के जाए। हाथी जाती रहती, कुत्ते भूखते रहते, वही हाल तुम लोगों का है। और हाथी जिस दिन पलटवार कर दी, उस दिन ऐसा पटके कि पोंछ पोंछ चिल्लाते, किस गली में भागोगे समझ में नहीं आएगा। गली नहीं मिली तो भगेगा, औकात देख के सब तमाशा करके लास्ट में माफी सब मांगे और मिली एक कथरी। अपनी औकात देख के भीड़ा करो कि हम जिससे लड़ रहे हैं उससे हम लड़ने लायक हैं कि नहीं, दो चार कदम चलने लायक हैं कि नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कहते हैं कि एक है जो बड़ा मतलब एक मुअल हाथी भी 9 लाख का होले, तब गोरखपुरिया भौजी का बिना पचन मुकाबला कर सो कौन स्तर से मुकाबला, क्या है इन लोगों के पास उससे ज्यादा। ना तो उनसे ज्यादा इज्जत है, ना तो उनसे ज्यादा ऑडियंस है, ना तो उनसे ज्यादा पैसा है। बैठ के और वो लोग 10-10 जनी वीडियो बना वाले, काहे नहीं बैठे। बहुत बार शेर अकेले आता है, झुंड में तो कुत्ते हमला करते हैं, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। झुंड में कुत्ते जाते हैं, शेर अकेला ही आता है, और शेर अकेला ही है, और शेर अकेला ही रहेगा। अब कुत्ते करते रहे जो करना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी है। राज को राज वहीं रहने दीजिए, आपकी अपनी जिंदगी है, अपने तरीके से जी आप लोग, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी को उल्टा सीधा गाली गलौज ये सब मत करिए। आप अपनी मार मर्यादा इज्जत बचा के रखिए, सब कुछ अपनी इज्जत अपने हाथ में ही है। यह मुँह पान खिया वाला, यह मुँह चप्पल खिया वाला, भाई अपने जबान के एकदम कंट्रोल करके रखे चाहिए। ये ना ऐसा जबान है ना कि कभी प्यार के भाषा बोल दे तो लोग अवाह अच्छा हम आइए जवान, अगर कुछ निकल गए ना ले चप्पल ले तंग मुँह पे। तो दोस्तों कहने मतलब ये है कि हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम पर्सनल किसी को कुछ बोल नहीं रहे, बस ये हम सबके लिए यही कह रहे हैं कि आप लोग अपना काम करिए, किसी दूसरे के चक्कर मत पड़िए। और जिसको अगर आगे जाना होता है, जिसको दुनिया में कुछ करना होता है, अपना नाम करता है, तो छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है। हम आगे जाएंगे तो हमारी टांग पकड़े खींचने वाले बीस्ट रहेंगे, तो हम अगर पलट के उनकी बात का जवाब देंगे तो हम जवाब देने में फंस जाएंगे, हम आगे नहीं जा पाएंगे। सीधा कहने मतलब ये है कि अगर आप किसी भी रास्ते पर चलेंगे, जब आप सफलता आपके कदम चूमना शुरू करेगी, तो आपके पीछे जलने वाले लोग आपको रोकना शुरू करेंगे। तो उनकी बातों को इग्नोर करके, उनकी बातों को अनसुना करके एकदम अपने काम पर आगे बढ़ते रहिए।
बस इसी में जो है तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और जिन लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत मतलब हो गया है ऑडियंस और उतने पे वो लोग फंफाने लगे हैं तो पब्लिक भी समझ रही कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अब दूसरी बात, पब्लिक ही जो है हम यूट्यूबरों की भगवान होती है, पब्लिक के ही दम पे हम लोग सब कुछ करते हैं। पब्लिक जब हमारा वीडियो देखती है तो हम चार पैसा कमाते हैं। अब पब्लिक के साथ ही अगर आप लोग चीटिंग करेंगे तो जिस दिन पब्लिक आप लोगों को लात मारेगी ना, न धरती के रहोगे ना आसमान के, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता, वही हाल हो जाएगा। पब्लिक आपको सब्सक्राइब की है आपका गाना सुनने के लिए, आपसे इंटरटेनमेंट होने के लिए, आपका अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, इसलिए नहीं सब्सक्राइब किया कि आपका नौटंकी सुनने के लिए, आपका रामायण सुनने के लिए, आपकी गाली गलौज सुनने के लिए। तो सबके साथ चीटिंग करना भगवान, यानी कि पब्लिक के साथ कभी चीटिंग मत करना। और वही काम तुम लोग कर रहे हो कि अगर पब्लिक ने तुमको कुछ थोड़े से सब्सक्राइबर दे दिए हैं तो उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। मैं बस यही कह रहा हूँ। और इसका मतलब नहीं होता कि तुम बड़े हो तो तुम्हारे पास दिमाग, हम छोटे हैं तो हमारे, नहीं, तुमसे ज़्यादा दिमाग है हमारे पास, तुमसे ज़्यादा समझदारी है, इसलिए समझा रहे हैं। और कभी कभी छोटों की बात भी मानना चाहिए। तो अपने काम पे फोकस करिए, अपने गाने पे, अपने डांस पे, अपने ब्लॉग पे, अपने चैनल पे फोकस करिए, फालतू की बातें छोड़ दीजिए। क्योंकि कोई भी यूट्यूबर का झगड़ा जन्म का नहीं होता है। आज एक महीना दो महीना झगड़ा करके अपनी बेइज्जती करा लोगे, अपना मुंह ख़राब कर लोगे, चार ठो गाली सुन लोगे, फिर साल दो साल बाद सब लोग एक ही हो गए, चाहे वो हो गए, चाहे आप हो गए, चाहे हम हो गए। इसलिए अरे आप लोग देख लीजिए, मनीष कश्यप हैं, कितना लोग उनके पीछे पड़ के उनको जेल भेजवा दिए, निकले ना, उन्हीं की जीत हुई। तो ऐसे आप लोग समझ लीजिए, उनके पीछे कोई पड़ के कोई फायदा है नहीं, कहीं किसी के पीछे अरे जाने नहीं पड़ना चाहिए। गलत की है तो उसकी सजा उनको, उनको मिलेगी, वो मिलेगा भी, वो भोगेंगे। आप लोग क्या परेशान है? और जिसको इतना जज बनने का शौक है, वकील बनने का शौक है, कैमरा यूट्यूब छोड़ करके जाके कोर्स कर लो, अगर पढ़े लिखे LLB करके वकील बन जाओ, वहीं से लड़ाई लड़ो, नाम भी हुई, नाम भी होगा, जहाँ जाएंगे तो फूल बरसेगा, आपकी इज्जत होगी, कदर होगी। अरे ये तो वकील साहब है तो कलम डोलाने भर के औकात तो है नहीं, बस कलम डोलाने भर के औकात नहीं, खाली जुबान डोलाने की औकात है। जुबान ज्यादा लंबी हो गई है कि जो बोल देंगे वो सही हो जाएगा, जो कह देंगे वो सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे तो बस। और इन चमचों के लिए जो भी, और जो चमची चमचा का नाम लेते हैं ना, वही चमचों मुँह हम डाल के मुँह फाड़ देंगे तुम लोगों का, हम बता देना अगर आज ये सब उल्टा सीधा कोई बोला तो। अपन ना लोग देखा था कि हम कहते तब्बत है, लोग होती करता जो सही तो करेगा उसका ना क्यों लोग। और कमेंट आ रहा है कि भैया गोरखपुरिया भाजी कितना पैसा दिए, इतना पैसा दिए गोरखपुरिया भाजी, देखिए अभी नई गाड़ी ली है दोस्तों, उन्हीं के पैसे का बुलेट लिए हैं, और उन्हीं के पैसे से घर बनवाने जा रहे हैं, देखिए उन्हीं के पैसे का हार और सब कुछ लेंगे। अब तुम्हारे में भसोट है तो तुम भी जाके मांग लो, कान का भी लिए हैं, बुलेट लिए हैं, इतना पैसा हमको दी है। ठीक है, तुमको भी चाहिए तो बता देना, तुम भी बोल देना, दम होगा तो दो गाली दे देना, तुमको भी बुलेट दिलवा देंगे। बुलेट नहीं, फॉर्चुनर ले लिया।